नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका M4D न्यूज में। आपके साथ मैं हूँ अंशु। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठबंधन के दौरान किए गए वादे को पूरा न करने एवं आरक्षण सहित अन्य मांगों को लेकर निषाद पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। किसी भी मांगों को पूरा न होने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी। दरअसल मामला बागपत के जिला मुख्यालय का है, जहां आज निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र कश्यप के नेतृत्व में पार्टी के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट प्रभारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के दौरान कराया कि 2019 के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादे किए थे कि सत्ता में आने के बाद उनकी 17 जातियों के आरक्षण की मांग को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मछुआ का हर कश्यप निषाद आ जाती है, जो पिछले 70 साल से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनके साथ किया गया ज्ञापन देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो पार्टी के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे तथा सड़कों पर उतरेंगे। धर्मेंद्र कश्यप सर, सर हमारी जो लड़ाई है 70 साल से जो लड़ाई चल रही है हमारी, आरक्षण का मुद्दा है सर। ये आज तक किसी ने आरक्षण की हक की लड़ाई नहीं लड़ी। जो हमारे महामान्य डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी है, ये मछुआ समुदाय की लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल सोटे बनता है सर। निषाद पार्टी जो 70 साल से जो लड़ाई चल रही है, इसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं सर ये। और यहाँ पर आए क्या समस्या को लेकर आए सर? ये हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि जो हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ था, कुछ शर्तों को लेकर के हुआ था। शर्तें हमारी थी जैसे कि आरक्षण, मछुआ समुदाय का आरक्षण था हमारा, और आज तक पूरा नहीं किया बीजेपी ने 17 जातियों का आरक्षण जो था। आश्वासन मिला था पहले आपको? जी हाँ, आश्वासन दिया गया था हमें कि आपका जैसे ही 2019 में आप हमें सदन में जिता करके भेजोगे, हम आपका आपकी पिछड़ी जाति का आरक्षण अनुसूचित जाति का लागन लागू कर देंगे। तो हम सर संघर्ष करेंगे सर, और सड़कों पर उतरेंगे और दिल और जान से, चाहे हमारी जान चले जाए, हम अपने समुदाय मछुआ समुदाय के लिए जान तक भी दे सकते हैं। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल M4 न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज टाइम से मिलती रहे। आप अपने सुझाव हमें जरूर दें।